जींद सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि जींद पानीपत रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करवाया जाएगा। सांसद ने ये बात स्थानीय डीआरडीए के सभाघर में आयोजित हुई जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने जींद बाईपास रोड के निर्माण के संबंध में कहा कि सड़क के निर्माण के लिए जल्द ही टेंडर अलॉट का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार का पूरा फोकस देश व प्रदेश के विकास पर है। छुआ की चौपाट का है, छात्र गौशाला का है, जहाँ जहाँ फंड दिए गए थे वहाँ 31 मार्च डेडलाइन दी गई है कि सरकार उन सारे कामों को काम फिनिशअप कर कर, मखंड के अंदर ढाणियों में बिजली का है उनको फिनिशअप कर कर और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हिसार एडीसी तक पहुंचाने का काम जींद एडीसी। आपको क्या लग रहा है काम डिले हो रहा है, कैसे क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो है अधिकारियों की कमी। आज जींद के अंदर 7 ब्लॉक है और 2 बीडीपीओ है, तो अपने आप वर्कलोड इतना डिवाइड हो रखा है जिससे प्रोग्रेस वर्क में बाधा आती है। और मैं तो लिखित तौर पर इस कमेटी के माध्यम से भी चीफ सेक्रेटरी से मांग कर चुके हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमियां हैं सरकार उसको तुरंत पूरी करवाए, जो लैक्स हैं जहां ऑफिसर्स की ज़रूरत है उसको पूरा करे। और जींद के साथ तो ये बारी बारी भेदभाव किया जाता है। अगर हम यहां पर जेईज की, एसडीओज की, बीडीपीओज की मांग को देखें तो हमेशा जींद को डिसरिगार्ड करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। मीटिंग तो यार को हो गया वरना हो गया, उसमें कोई खिलाफ नहीं। संसद में कोई मीटिंग नहीं थी, हम जैसे धर्मवीर जी है घर पे, हाँ वीरेंद्र नहीं वहाँ बैठे हुए खान साथ खाना खा लेते हैं। हम हर महीने एक मीटिंग आपस में बैठ जाते हैं, उसमें कई बार सीएम साहब भी आ जाते हैं, तो ऐसी मीटिंग नहीं थी। वो एक महीने से ज्यादा समय हो गया है। बाईपास में ऐसा है 30 तारीख तक उन्होंने फाइनल हो जाएगा, टेंडर हो चुके हैं और टेंडर खोल के ऊपर भेज दिए, 4 कंपनियां इसमें आई है, वो बाईपास का काम शुरू हो जाएगा। अब ये बताओ, हाँ ये उस दिन का इतने दिन तक पड़ा था, अपना आगे शुरुआत करिए, काम करवा रहे उसका क्रेडिट देना चाहिए। जींद से जाट टीवी न्यूज के लिए ऋषि महिंद्रता की रिपोर्ट।